हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, बोलते जाओ, अपने डाउट बोलते जाओ। किसी का भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो। सर सर आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा दो सर। कौन से वाला आइसोमेरिज्म? टोटल सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सर जितने भी आइसोमेरिज्म हैं। टोटल चैप्टर ही? नहीं सर, टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, वो तो पूरा चैप्टर ही का एक पार्ट हो गया ना। ये तीन पार्ट होते हैं उसमें आइसोमेरिज्म में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक नोमेनक्लेचर हो गया, एक वीबी वो थ्योरी होगी, एक आइसोमेरिज्म हो गया। तो आप क्या आपके इसके नोट्स वोट्स पढ़े हुए नहीं क्या आपने? एक तो सर ये होता है कि एनसीईआरटी सर से पढ़ा था लेकिन इतना समझ नहीं आया। एनसीईआरटी से पढ़ा था मैंने। क्यों आपने इधर क्लासेस में नहीं पढ़ा क्या? जो आपको क्लासेस में करवाया था वहां से नहीं पढ़ा? सर पढ़ा था। फिर बेटा डाउट का मतलब ये नहीं होता है ना, जब आप तो एक चैप्टर ही बोल देते हो कि सर ये पूरा। एक डाउट होता है कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, ये आइसोमेरिज्म था, ये सर ये इसमें ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। डाउट वो होता है, आप तो चैप्टर का नाम ही ले देते हो कि सर ये मेरा डाउट है, पूरा रनिंग चैप्टर ही बोल देते हो। ये तरीका जो होता है ना, ये डाउट का नहीं होता बेटा। फिर इसका ऐसे तो हर एक बच्चा बोल देगा, जैसे आपने ये बोल दिया, एक बच्चा ये बोल देगा कि सर मुझे तो पी ब्लॉक पढ़ा दो, मेरा पी ब्लॉक डाउट है। कुछ तो आदमी को पढ़ाओ, मतलब एक तरीका होता है ना कि भाई ये चीज है कि एक बार चीज पढ़ ली तो दूसरी बार कर रहे हो तो उसमें ये चीज, सर ये मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या ये है। जैसे पिछली बार मैंने पूछा, आप लोगों ने बोल दिया कि सर ऐसा है, आप इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, डाउट है इक्विलिब्रियम। फिर आपने बोला कि थर्मोडायनेमिक सर डाउट है। अब आप कह रहे हो सर कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म पढ़ा दो, ये मेरा डाउट है। ये डाउट नहीं है बेटा, इसका मतलब आप खुद का लेबर नहीं कर रहे ना, आप उसको दोबारा पढ़ोगे। ऐसे तो आप 4-5 बार पढ़ लो तब भी कुछ ना होगा ना। आपने एक टीचर ने पढ़ाया नोट से, आप कह रहे वो भी पढ़ा था सर, फिर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा सर मुझे समझ नहीं। इवन चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, आप एनसीईआरटी से पढ़ा, लेकिन एक पॉइंट होता है ना कि सर ये पढ़ते टाइम मुझे ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या होती है। ऐसे तरीका होता है ना, तो वो बोलो, वो चीज बोलो कि सर ये वाली चीज मुझे ऐसे बताओ सर इसमें। अवेलेबल होता है या नहीं होता है? डाउट ये होता है सर, क्वेश्चन बोला जाता है सर ये देखो ये प्रॉब्लम है जरा बताओ सर, ये डाउट हो गया सर, ये वाला चीज है सर, ये है ना आइसोमेरिज्म, ये में ये होना चाहिए था, इसमें मुझे ये बताओ, तो वो डाउट होता है। मतलब ये बात आपको समझानी नहीं चाहिए जिस लेवल पर आप हो। आप जिसको डाउट कह रहे हो, डाउट नहीं, वो तो चैप्टर हो गया, चैप्टर का पार्ट हो गया सर, आधा चैप्टर हो गया। चलो ये भी मैं देख लेता हूँ, पहले बाकी स्टूडेंट देख लो भैया, किसी का डाउट हो तो। कोई डाउट का मतलब डाउट। सर सर मुझे एक स्ट्रक्चर का नाम पूछना था बोलो। सर। एन डबल बॉन्ड एन की एक साइड बेंजीन रिंग और दोनों साइड बेंजीन रिंग, एन डबल बॉन्ड एन के एक साइड बेंजीन रिंग। डबल बॉन्ड सर। एन डबल बॉन्ड एन एक साइड बेंजीन, दूसरे साइड भी। और नहीं ये सर, हाँ एक ये स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक साइड बना के। मतलब एन डबल बॉन्ड एन और ये बना के यस सर। ये वो यहाँ कुछ ले रखा होगा बेटा, इस साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी की होगी। नहीं है, देखो वैलेंसी के बगैर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे एच हो चाहे कुछ हो, यहाँ कुछ होगा। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ बेटा, नहीं ग्रुप बना। तो फिर सर हो ये सकता है ग्रुप मिस। बन,
ये ग्रुप हो गया ना, स्ट्रक्चर नहीं। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलोगे डाई एजो बेंजीन। डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन और बेंजीन, ये डाई एजो बेंजीन हो गया। और जो दूसरे वाला है ये सिर्फ ग्रुप है, तो ये जो आपका सिर्फ ओनली ग्रुप है, तो ये ग्रुप जो है डाई एजो वाला तो ग्रुप है ही, है ना, दो नाइट्रोजन जहां भी आ जाए डाई एजो बोल दोगे। अब ये बेंजीन ग्रुप नहीं हुआ, ये फिनाइल ग्रुप हुआ, अभी ये फिनाइल ग्रुप हुआ, डाइएजो फिनाइल ग्रुप, ये कंप्लीट नेम नहीं हुआ इसका। ऊपर वाला एक कंप्लीट हो गया, डाइएजो बेंजीन हो गया, ऊपर वाला एक कंप्लीट कंपाउंड हो गया। क्लियर? यस सर। अगर एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा तो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा तो बेटा वैलेंसी तो तीन पूरी ही हो गई, फिर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बनेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन सीएल के साथ एक बेंजीन रिंग आ जाएगी, अगर एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल के साथ, मतलब ये चीज तो नहीं कह रहे कहीं आप, ये तो नहीं कह रहे? यस सर। हाँ, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया बेटा, एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, तो इसको आप बोलोगे बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, इसको डाई बेंजोनियम सॉल्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड लगा दो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यस सर। ओके, इस तरीके से बेटा, इस तरीके डाउट का मतलब ये होता है, ऐसे पूछते जाओ कि भाई ये चीज है सर, ये जरा बताना। और किसी स्टूडेंट का डाउट है अपना पूछते जाओ। योर स्टूडेंट का कोई डाउट? किसी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं? स्टूडेंट का अपना डाउट है बेटा, वो डाउट पूछते जाओ कि भाई ये चीज है सर, ये अनक्लियर है, इसको क्लियर करो, ऐसे वन बाय वन एक टॉपिक उठाओ, जैसे ये अभी ये था इस टाइप से, जिसका जो है वो पूछता जाओ। या किसी का कोई अपना प्रॉब्लम है, स्टडी कर रहा है, वो प्रॉब्लम आई उसको, वो पूछते जाओ। आगे एग्जाम आ रहे हैं, ऊपर आपके एग्जाम है, आप दो साल पढ़े हो तो डाउट पढ़ने वाले के होने चाहिए अच्छे खासे, उसी के लिए क्लास दिया गया बेटा आपको। ये रेगुलर क्लासेस तो फिर क्लोज हो जाएंगी, डाउट नहीं पूछोगे तो फिर ये क्लासेस क्लोज हो जाएंगी आपकी, डाउट ही नहीं होंगे तो डाउट की लगाई है तो फिर उसका क्लोज हो जाएगा क्लास। सर सर जो आइसोल्यूकिन होता है सर, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है आइसोल्यूट्रीन, हाँ सर, उसका सर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। उसमें देखो उनकी अमीनो एसिड्स की टोटल स्ट्रक्चर तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ना मुझे याद भी है उसकी, तो उसमें स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है सिर्फ कि NH2 क्या है, कितने हैं, COH कितने हैं, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड है तो एमीन ग्रुप और COH ग्रुप तो होगा। लेकिन अब अगर एमीन और COH ग्रुप इक्वल हैं तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, जो चीज याद करनी है वो बता रहा हूँ। अब ऐसे पूरा स्ट्रक्चर याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं ना, वो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर NH2 ज्यादा लगते हैं आप तो बेसिक हो जाएगा, अगर COH ज्यादा लगते हैं तो एसिडिक हो जाएगा। अब आपका प्रॉब्लम क्या है बोलो, क्या प्रॉब्लम है उस स्ट्रक्चर में? सर उसका जो स्ट्रक्चर है सर, उसमें जो एक कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है, उसकी सर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही सर, फाइव बॉन्ड्स हैं उसके, तो गलत प्रिंट होगा बेटा,
देखो इसका मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो कभी भी ऐसा हो जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नॉर्मल वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, थ्री बनाता है ना। तो नाइट्रोजन जब भी कभी थ्री बॉन्ड बनाएगा, जब कभी भी, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा उस स्पीसीज में, ठीक है। अगर नाइट्रोजन एक भी बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दे, जैसे नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अगर आपका नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड कम हो गया ना, एक बॉन्ड कम हो गया तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कम होता है तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर आपको वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, नॉर्मल कार्बन अगर होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा कार्बन की स्पीसीज पर। अगर उन्होंने पांच बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया ना, पांच बॉन्ड बना दिए, तो स्ट्रक्चर इनवैलिड होगी। लेकिन इनवैलिड को भी बना दिया आपने, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, उसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नॉर्मल बॉन्ड कितने होते हैं, टू टू। तो जैसे वाटर में आप बना देते हो टू, है ना, टू। अगर मैं कह दूं किसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के थ्री बॉन्ड बना दूं, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है ना ये, तो अगर थ्री बॉन्ड बना दूं, तो एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव प्लस चार्ज, टू पॉजिटिव। क्या बनाएंगे, जितनी नॉर्मल वैलेंसी होती है उससे जितने बॉन्ड ज्यादा बना देते हो तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दे के चार स्पीसीज बना दोगे। इसलिए आप H3O पॉजिटिव भी बनाते हो, NH3 भी बनाते हो, तीन बॉन्ड आ जाते हैं नाइट्रोजन के तो NH3 हो जाती है, चार बॉन्ड बनाते हो तो नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस थ्योरी को लगा के देखना बेटा, उसको उस स्ट्रक्चर में क्यों उन्होंने पेंटावैलेंसी दिखा रखी है। तो सर, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा सर, वो मिसप्रिंट होगा। हाँ, अगर और वो अनस्टेबल होगा, मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है लेकिन वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। और अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सबकी वैलेंसी चेक कर लो, कार्बन की से फोर है तो फोर बॉन्ड होंगे, वो एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा, मिसप्रिंट होगा। क्लियर, यस सर। और कुछ छोटा जिसका कोई प्रॉब्लम हो, सर एक बार इसका रीजन बता दो कि अल्कोहल का हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं होता। और एल्कोहल का हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एचएफ इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता ना, के साथ। ROH प्लस HF हाँ, ROH+ HF। एचएफ। अच्छा सुनो, देखो एक्चुअली क्या है कि जब आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो, है ना, जब एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एसिड के साथ इस रिएक्शन का एक ड्रॉ करता हूँ, ROH। इस ROH में या तो H के रीजन से रिएक्शन होती है, या ऑक्सीजन के लोन पेयर के रीजन से रिएक्शन होती है। ROH में ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है। अब ये बेसिक कैरेक्टर अगर O पर रिएक्शन देनी है तो बेसिक कैरेक्टर है, अगर कोई एसिड है और सफिशियंट एसिडिक है तो वो अपना H पॉजिटिव अगर दे सकता है तो ये H पॉजिटिव इसको दे देगा और रिएक्शन हो जाएगी। R O एक H है, एक H और आ गया, एक वैलेंसी बढ़ गई ऑक्सीजन की, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन F जो है X, जनरल X लो, उसके साथ क्या आ जाता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है। फिर आर ओ एच क्या करता है, अपना H2 गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, H2 बन गया ना, H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब जल्दी रिलीव हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्लस H2O होगा, ये कार्बोकेटाइन फिर एक्स नेगेटिव से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये HF अगर HCl HBr और HI से करते हैं अपने, तो जैसे जैसे ये बॉन्ड बड़ा होता जाएगा HF HCl HBr HI में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है एल्कोहल के साथ। तो HF इन सब में
कंपेरिजन करें तो काफी वीक एसिड, वीक एसिड है, तो इसलिए अपना एच जो है वो एल्कोहल के साथ नहीं दे पा। और एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम, अब ये डिपेंड करेगा, मान लो HCl से भी करते हो, तो याद होगा आपको HCl से भी करते हो तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हो, क्या लेके करते हो आप, ZnCl2, और कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 बेसिक बोर्ड का ही क्वेश्चन है कि कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 लेते हो, इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो आप, ल्यूकास रिएजेंट होता है ये, ल्यूकास रिएजेंट जो रिएक्ट करता है फिर ये इस रिएजेंट की प्रेजेंस में OH के साथ ये एसिडिक कैरेक्टर देता है, क्यों, बिकॉज HCl जो है इसका O पर आकर के पहले अटैक करता है, फिर OH को बाहर निकालता है, और जैसे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में देखते हो तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, R पॉजिटिव आएगा, उतनी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, तो 3 डिग्री बड़ी इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, 1 डिग्री बड़ी लेस देते हैं, वो भी HCl के साथ, तो HCl के साथ ही वन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो HF के साथ तो बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज इट इज ए वीक एसिड, ये अपना H पॉजिटिव इजिली अवेलेबल नहीं करवा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बेटा पूछते जाओ, बहुत होते हैं क्वेश्चंस, तो कुछ करके आते हो पूरे हफ्ते में तो काफी सारी डाउट्स होते हैं, एक वीक के बाद तो बहुत सारा डाउट होना चाहिए, कुछ होमवर्क किया होता है तो नहीं चाहिए डाउट तो। नहीं है किसी के और के डाउट नहीं है, वही कौन पूछ रहा था आइसोमेरिज्म, वही पूछ लो, एक एक कुछ तो पढ़ा होगा, जो नाम आता जाए उसके बारे में पूछते जाओ कि सर ये चीज पढ़ी थी ये नहीं आई थी, मैं आपको डाउट पूछना सिखाता हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं, इसने आइसोमेरिज्म पूछा था वो वन बाई वन अपना बोलते जाओ, कुछ पढ़ा था सर ये पढ़ा था ये समझ नहीं आया, फिर मैं समझा देता हूँ, आइसोमेरिज्म वाले बोल दो, आइसोमेरिज्म वाले जो पूछ रहे थे वो अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, वही खोल के सामने बैठ जाओ, वो कह रहे थे ना पढ़ा था सर इसमें समझ नहीं आया मुझे, वहां से भी एक एक लाइन करके पूछते जाओ, जिससे आपको पता लगे कि डाउट पूछना ये है सर ये चीज है ये नहीं आई, और कोई जिसने पूछना है पूछ लो सर। सर जैसे इसी में क्वेश्चन है कि व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल आयन, तो सर ये समझ नहीं आया सर, समझा दो ये। अब आपका ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते किसको हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे पहले आपको इस वर्ड को समझना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का होता मतलब होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम विद सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी जो होती है वो सेम रहनी चाहिए लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंट एंगल या डिफरेंट डिस्टेंस, ये होने चाहिए, डिफरेंट एंगल होने चाहिए, डिफरेंट डिस्टेंस होनी चाहिए ग्रुप के बीच में, जैसे
अभी आपने जो पूछा है, आप बैठ 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 के पढ़ रहे हो, चेयर पर हो, यस सर। तो अपने जो दोनों हैंड है आपके वो कहाँ लगे हुए हैं, शोल्डर के ऊपर है ना। इंसान के दोनों हैंड कहाँ लगे होते हैं बेटा, शोल्डर पे होते हैं ना। यस अगर सर। एक हैंड किसी का शोल्डर पर लगा हो और एक हैंड एबनॉर्मल हो, जैसे शोल्डर से नीचे लगा हो, तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ दोनों अरेंजमेंट में, दोनों चीजों में? कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, उसका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया, उसका इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि हैंड दोनों शोल्डर पे लगे हुए हो, अब दोनों हैंड आगे की तरफ कर लो आप, तो कितने डिग्री का एंगल हुआ दोनों हैंड के बीच? 180 नहीं बेटा, सर, जीरो जीरो हो ना। अब क्या एक हैंड आप आगे की तरफ रखो और एक हैंड पीछे की तरफ ले जाओ बिल्कुल, तो कितने डिग्री का डिस्टेंस हुआ? सर 180। 180। तो इसका मतलब ये दो अरेंजमेंट बन गए ना, कनेक्टिविटी तो सेम रही, कनेक्टिविटी सेम है आपका, दोनों शोल्डर पे ही लगे हुए हैं हैंड अभी भी, लेकिन दोनों हैंड के बीच आपने दो अलग अलग अरेंजमेंट बनाए। क्या अरेंजमेंट बनाए? पहले अरेंजमेंट में दोनों हैंड के बीच डिस्टेंस क्लोज था है ना, और एंगल 0 डिग्री था। जब आप एक हैंड आगे एक पीछे से पीटी करते हैं, पीछे ले गए, तो अब क्या है, कनेक्टिविटी सेम रही लेकिन एंगल क्या हुए, अब डिफरेंट। डिफरेंट। बस ऐसा ही सोचना, अगर ये आपके दिमाग में बात बैठ गई तो चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, ये रटने वाला चैप्टर नहीं है ना, समझने वाला चैप्टर है। तो अगर ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट किसमें बनते हैं, दो डिफरेंट एंगल बन सकते हैं, डिस्टेंस बन सकती है, तो वो इसका मतलब जी आई हो गए। अब आप देखो एक टेट्राहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर कोई सेंटर एटम है, इस पर इस और इस एंगल, इधर वाला एंगल और ये एंगल, हर एक एंगल के बीच कितने डिग्री का, हर एक बॉन्ड के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? टेट्राहेड्रल का मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कितने डिग्री का एंगल होता है हर एक के बीच? 109.5। बिल्कुल सही, 109.28 डिग्री का होता है, यानी कि 109.5, 30 डिग्री का आधा एंगल ले लेते हैं हम, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है हर एक के बीच में, इतना ही होगा। अब मैं अगर ABCD ऐसे रख दिया, अब मैं क्या करता हूँ, A को इधर रख देता हूँ और D को इधर रख देता हूँ, C B को इधर ले आता हूँ और ABDC, तो यहाँ A और B के बीच पहले में अरेंजमेंट में कितने डिग्री का एंगल था? 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैंने एंगल रख दिया तो अब कितने डिग्री का एंगल है ये? 180। नहीं, गलत बोल दिया ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि टेट्राहेड्रल में हर एक एंगल आपस में, ये 3D है ना, यहीं तो घूम गए ना, ये 3D है, ये फ्लैट मॉलिक्यूल थोड़ी है, मैंने पहले ही बोल दिया हर एक के बीच कितने डिग्री का एंगल है इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है बेटा। सर 218 डिग्री हो गया। नहीं हुआ बेटा 218, हर एक के बीच, हर एक के बीच ए और बी, इसके बीच भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ये एंगल ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसके बीच भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ए का हर किसी का आपस में 109 डिग्री 28 मिनट है, एंगल चेंज है ही नहीं, एंगल तो फ्लैट थोड़ी है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे मोलिक्यूल नहीं है ये, टेट्राहेड्रल का मतलब ये सिमेट्रिकल मोलिक्यूल होता है, 11th का बेसिक है बिल्कुल, टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है हर एक के बीच 109 डिग्री है, तो पहले भी 109 डिग्री 28 मिनट था, अब भी 109 डिग्री 28 मिनट है, तो एंगल चेंज हुआ ही नहीं, बी को मैं चाहे यहां रख दूं चाहे बी को यहां रख दूं, एंगल कितने डिग्री का रहा? 109.5। हाँ, तो अगर एंगल ही चेंज नहीं हो रहा है तो डिफरेंट एंगल नहीं आ रहे ना, किसी को कहीं भी रख दो, इसका मतलब मैंने ये मॉलिक्यूल रख दिया ना ए बी सी डी, और अगर इसकी बजाय ये मॉलिक्यूल बना दिया मैंने ए सी डी बी, दोनों एक ही बात है क्योंकि एंगल में कोई चेंज नहीं है, हर किसी के बीच एंगल वही के वही है, बस इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप दोनों हैंड आगे करके खड़े थे, अब आप मुड़ गए, दोनों हैंड पीछे करके खड़े हो गए, बात एक ही है कि एंगल में तो कोई चेंज नहीं है।
तो टेट्राहेड्रल में हरेक के बीच जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, कहीं भी किसी को रख दो हरेक के बीच इतना ही, इसलिए टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, क्योंकि डिफरेंट एंगल बनते ही नहीं, डिफरेंट एंगल बनेंगे ही नहीं, यही रीजन होता है कि टेट्राहेड्रल जीआई नहीं देते हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे थे। बात समझ आई? यस सर। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, अगर किसी में डिफरेंट एंगल बन रहे हैं तो डिफरेंट एंगल बनने के लिए आपको माइंड की आईज से 3D में सोचना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 3 या 4 बार दोबारा लेक्चर रिकॉर्डिंग होगी, उनको दोबारा देखो और बुक्स को फिर पढ़ो, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ में नहीं है चीजें, 3D में थोड़ा आपको काम जो है पूरा तरीके से फुल नहीं हुआ हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। और पूछो, देखो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी, और ऐसे ही पूछो जैसे अभी पूछा था, आपको बात और समझ आएगी। जीआई का ही कोई क्वेश्चन पूछो, और जीआई में एनसीईआरटी कोई लाइन लिखी हुई है पूछो जो वहां पढ़ी और समझ नहीं आई। अच्छा तो मैं पूछता हूं पहले, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाई, क्या आंसर दोगे बेटा? सर बिकॉज ऑल द एंगल्स आर सेम। ऑल द एंगल्स आर सेम इन ऑल केसेस, इट मीन दे आर नॉट डिफरेंट अरेंजमेंट, क्लियर? यस सर। सर सर इसमें एक लाइन भी है, अंडरलाइन किया मैंने सर, ये है इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप PTCl2 फिर ब्रैकेट में EN2 फिर 2+ ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, सर इसका रीजन क्या है? PTCl2EN है ना, और ऊपर आपको दे रखा होगा कितना चार्ज है ऊपर, 2+ हो गया, तो इसमें सर ये EN के बाहर भी 2 है, EN के बाहर भी 2 है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो सबसे पहली बात देखो कि ये जो है प्लेटिनम है, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्या आ रहा है, +4 आएगा। जब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है, मतलब 6 बॉन्ड बनाता है प्लेटिनम, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल हो गया तो इसमें सबसे इजी काम क्या है कि EN जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, EN इज बाइडेंटेट लिगेंड, इट मींस ये क्या करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब एक EN दो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्लोरीन क्या है आपके पास, मोनोडेंटेट, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री आ गई, और यू नो कि ऑक्टाहेड्रल अगर आपके पास ज्योमेट्री है तो सेंट्रल एटम पर 4 बॉन्ड ऐसे प्लेन में, एक ऊपर की साइड एक्सिस एक नीचे की साइड एक्सिस होगा, यही होगा ना। अब एक काम करो, आप क्या करो, आपके पास क्लोरीन सिर्फ दो ही है, मोनोडेंटेड लिगेंड दो है, तो दो लिगेंड के बीच एंगल सोचो कितने बन सकते हैं। सपोज एक सीएल को मैंने यहां फिक्स कर दिया सपोज, तो दूसरे सीएल के लिए ये कितने डिग्री का एंगल, ये और ये सारे कितने डिग्री के एंगल है उस सीएल के लिए, 4 टिक किए मैंने, कितने डिग्री का एंगल है उसके साथ। पंखा देखा है, पंखा आपने लेक्चर लिए नहीं मुझे लगता, पढ़ते थे, पंखा देखा है, सीलिंग फैन की तरफ देखो, सीलिंग फैन का ऊपर एक्सिल निकला हुआ है ना जिससे टंगा हुआ है सीलिंग फैन, और पंखे के 3 ब्लेड भी हैं जो फैले हुए हैं, उस ब्लेड और पंखे के एक्सिल के बीच कितने डिग्री का एंगल, 90, तो यहाँ इसका मतलब उन तीनों के साथ 90 है या एक के साथ ही 90 है, वो जो ऊपर वाला एक्स, तीनों के साथ 90, वही वही विजन लाओ ना, वही विजन यहाँ लाओ वो टाइटल में, ये ऊपर वाला एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90, और ये वाला कितने का होगा, 90, ये वाला कितने का होगा, 90, और ये वाला भी कितने का होगा, 90, समझ आ गई बात। अब अगर एक एक्सिस नीचे भी निकला हुआ है इधर, तो ये वाला कितने डिग्री का होगा ऊपर वाले सीएल के लिए, एक एक्सिस जैसे जिस सर 90, जिस
एक्सिस के साथ ऊपर टंगा हुआ है, उस एक्सिस के साथ ही ये भी नीचे निकला हुआ है ये बोन, तो ये कितने डिग्री का होगा उसका, ये 90 का होगा उसका, सर 180, ये 180 का होगा। तो इसका मतलब दो टाइप के एंगल है ना यहाँ पर, या तो 90 डिग्री के एंगल है या कितने डिग्री के एंगल है, 180 के। तो एक सीएल आपने फिक्स कर दिया यहां पर, अब दूसरा सीएल कहां कहां रख सकते हो, कौन कौन से एंगल पर अरेंजमेंट बनाओगे आपको, तो जीरो से पढ़ना है। एक सीएल यहां आ गया, दूसरा सीएल एक 90 पे रख दो, ये चीज बन जाएगी। एक एम सीएल यहां आ गया, दूसरा सीएल रखना है, तो दो टाइप की प्रोबेबिलिटी है, मैंने 180 पे रख दिया, तो यहां पर मैंने 90 पे रख दिया, दो ही अरेंजमेंट तो हुए ना। इस ज्योमेट्री में एक सीएल के रिस्पेक्ट में दूसरा सीएल या तो 90 पे जा सकता है या 180 पे जा सकता है, तो अरेंजमेंट कितने बने, सर दो, दो ही बने अरेंजमेंट। इस दो में से अगर ये सीएल और सीएल है, बाकी ईएन लग गए, थायलिन डायमिन बनाओ चाहे मत बनाओ, वो आईक्यू की बात है कि अपने आप हो गया, जो काम हमें करना था वो हो गया। अब अगर ये जो सीएल है, इस जिस सीएल में एक सीएल 180 डिग्री पर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए ना दोनों, क्योंकि दोनों के बीच एंगल डिफरेंट आ रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा इस मॉलिक्यूल में जीआई कितने बने, तो क्या आंसर दोगे, टू। टू। कौन कौन से, जिसमें सीएल एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, उसको क्या बोलोगे, ट्रांस। ट्रांस का मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, ट्रांस। और जिसमें सीएल दोनों पास है, क्लोज है, उसको क्या बोलोगे, सिस। सिस। अब ट्रांस में यहां से आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसका यस मतलब सर। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ये अकेला ही रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एसिमेट्री जरूरी है, लेकिन इसको तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ना। इस वाला कैसा मॉलिक्यूल निकला यहां पर, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक होता है वो आपकी दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी और सिस लीवरोटेटरी। तो इसका मतलब सिस फॉर्म के अंदर क्या आ गई है, इस कंपाउंड के सिस फॉर्म में। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो और मल्टीडेंटेट लिगेंड कोई रखा हो, सब मैं जब पढ़ा होगा ना सब बड़े अच्छे से करवाई होंगी पूरी पूरी डिटेल में, मल्टी डेंटेट लिगेंड लिखा हो और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो, मल्टी डेंटेट लिगेंड हो, तो सिस फॉर्म एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लीवरोटेटरी। तो इसमें देखो सारा कुछ तो है, देखो पहला देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड है ईएन, एक ईएन दो बॉन्ड बनाता है, दो ईएन चार बॉन्ड ये बनाएंगे, दो क्लोराइड बनाएंगे, तो टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। मल्टीडेंटेड लिगेंड मतलब बाइडेंटेड लिगेंड भी प्रेजेंट है और इसलिए इसकी सिस फॉर्म एसिमेट्रिक होगी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगी, डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो आपसे कोई पूछे टोटल आइसोमर इसके कितने बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर, नहीं बेटा थ्री हो गए, एक हुआ ट्रांस, दो हुए सिस, सिस डी फॉर्म, सिस एल फॉर्म। और कोई भी पूछ लो भैया, और कोई और किसी में पढ़ ही रहे हो तो और किसी के भी डाउट होंगे। चलो कोई नहीं पूछ रहा है और तुम ही पूछते रहो, तो कुछ तो करना है ना, ऐसे ही पूछते रहो अपने अपने, चलो तुम तो अपना प्रॉफिट ले लो, बाकी बैठे रहने दो।
अच्छा अगर मैं यही एग्जांपल ऐसे ले लेता पीटी एल टू एन एच थ्री फोर, तो आप बताओ कितने आइसोमर बनते। स्टीरियो आइसोमर कितने बनते, उसी एग्जांपल में मैंने ईएन की हटा करके अमोनिया डाल दिया, सारे के सारे मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड रख दिए, तो एसिमेट्री नहीं आएगी और सिर्फ सिस और ट्रांस दो ही बनेंगे, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड। मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में मल्टीडेंटेड लिगेंड हो तभी उसका सिस्टम एसिमेट्रिक होगा और उसके दो काउंट करेंगे, अदरवाइज तो हमें क्या है सिस और ट्रांस ही काउंट करने, तो इसके सिर्फ ट्रांस और सिस। बोलते जाओ और बोलते जाओ बेटा, बैठे मत रहो ऐसे ही, बोलते जाओ अपने प्रॉब्लम्स। अनिका है, हर्षी है, ईशान है, परमिता है, राजेश है, स्वाति है, बाकी सब तो ऑफ करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सिर्फ टीवी देखना हो या कोई प्ले देखना हो। पूछ भी लिया करो, काम आएगी चीजें, क्लास लगी है तो उसका फायदा उठाओ। क्लास में राजेश ही पूछता रहता है आईडी से, जिसका राजेश कुमार आईडी से, जो एग्जाम तुमने भी देने हैं। सर एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सर समझ नहीं आया था, समझा दो सर क्या होता है ये दोनों। अगर हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री आ जाए या हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू आ जाए, अगर पहले डी यूज हो जाए तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाए। और अगर बाहर लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट में डी दिखाई दे तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। P2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पहले डी यूज हुआ है, अंदर वाला डी यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में या बाहर वाला डी यूज हुआ है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब होंगे, जब जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है, जैसे आपका ये तो फिक्स है सीओ साइनाइड, और अमोनिया भी मोस्टली हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं। वीक लिगेंड जैसे आ जाए, वीक लिगेंड अगर आ जाता है जैसे हेलोजन या जनरली वाटर, तो आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, मान लो आपके पास एग्जांपल दिया Fe F6 3 नेगेटिव, एक एग्जांपल दिया गया Fe CN6 3 नेगेटिव। मुझे ये बताना है कि पहले वाले हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। पहले वाले में देखो 6 बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये हाइब्रिडाइजेशन या तो D2SP3 होगा या SP3D2 होगा। तो अब मैं क्या दूंगा इसके अंदर, सोचो जरा आप, D2SP3 दूंगा या SP3D2 दूंगा, फ्लोरीन आ गया तो बोलो सर SP3D2। क्योंकि कौन सा लिगेंड हो गया, ये वीक लिगेंड हो गया, तो इसका मतलब वीक लिगेंड आ जाए तो आउटर ऑर्बिटल लेना है, तो ये नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा SP3D2। अब इसमें सोचो FeCN6 में देखो साइनाइड आ गया, कैसा लिगेंड है साइनाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तो मुझे कौन से वाला बताना बनाना होगा, D2SP3। D2SP3, ऑप्शन दो होंगे SP3D2 या D2SP3 में सेलेक्ट करना होगा, तो आप ये नहीं करोगे, आप D2SP3 करोगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल में अगर पहले वाला डी यूज होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाला यूज होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको आप। इसके एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखें, अगर आपके पास मैग्नीज अमोनिया के साथ आ जाए, या आयरन प्लस टू स्टेट में अमोनिया के साथ आ जाए, तो जनरली होना क्या चाहिए था, अमोनिया को क्या कंसीडर करते हैं हम, अमोनिया को जनरली क्या कंसीडर करते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा आना चाहिए था, D2SP3। लेकिन इनमें D2SP3 नहीं करेंगे, इनमें SP3D2 करेंगे। तो एक्सेप्शन के फॉर्म में ये दो एग्जाम्पल तो ये याद रखने, और दो एक्सेप्शन ये याद रखने हैं कि वाटर और ऑक्सलेट जैसे C2O4 2 नेगेटिव, ये वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट के साथ अगर ये आ जाए, कोबाल्ट H2O6 बी पॉजिटिव, या ऑक्सलेट के साथ CO C2O4 3 नेगेटिव, तो अगर अब देखो वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर या ऑक्सलेट कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड है ना जनरली, और जनरली वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो होना क्या चाहिए था आंसर, SP3D2, वीक लिगेंड में SP3D2, लेकिन SP3D2 नहीं है इसमें, D2SP3 है। इन दो जो एक्सेप्शन है, दो इसके अमोनिया वाले और कोबाल्ट वाले, ये याद रखने, अदरवाइज सब में ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज्यादा कंफ्यूजन अमोनिया और वाटर के अंदर होंगे तो वो इससे कंफ्यूजन आपने हटा देना है, और सीओ या साइनाइड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हेलोजन है तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब पॉइंट आता है, ऐसा होता क्यों है, अगर इसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने Fe F6 3 नेगेटिव लिखा, जब इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe+3 आएगा, तो D के 5 इलेक्ट्रॉन अब आप लोगे, वन टू थ्री फोर फाइव डी के 5 इलेक्ट्रॉन लोगे, तो अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, इसलिए अब ये क्या होगा कि ये आपका 3D कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो 1s 3p, ये आपका 4s है, ये 4p है, और ये 4d में जितने आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, उतने वैकेंट ऑर्बिटल उठा लो, उनका नाम दे दो, तो यह हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, एस
P3D2, तो डी यूज हुए हैं लेकिन फोर्थ शेल वाले हुए, आउटर वाले हुए, इसीलिए आप इसको बोलते हो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपने यहां पर इसी केस के अंदर, दूसरी बात इसके अंदर देखो स्पिन जो हो गया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, एन इज इक्वल टू 5 हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो म्यू की वैल्यू, पैरामैग्नेटिज्म का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस 2, तो ये अंडर रूट 5, 5 प्लस 2 मतलब अंडर रूट 35 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका पैरामैग्नेटिज्म। बट इस केस की जगह आप अगर FeCN6 दे दिया जाए, FeCN6 दे दिया जाए 3 नेगेटिव, तो सब कुछ वही है, आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, केस D5 है लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या करोगे, जब भी ऐसा केस आ जाए पहले तीन तक 1, 2, 3 करना, और 3 के बाद पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, पहले 3 तक ऐसे चलना है फिर पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, 3 के बाद पेयरिंग करना है, तो 5 ऐसे भरेंगे आप, ऐसे भरेंगे तो ये 2 डी खाली हो जाएंगे आपके, तो डी ये 1s और 3 पी वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इस बार जो आएगा D2s P3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और लेकिन उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका सिर्फ एक रहेगा, अंदर पहले डी यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इनर वाला डी है, तो इसलिए इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एक ही रह गया, एन इज इक्वल टू 1 है, तो पहले एन इज इक्वल टू 5 था, तो इनर ऑर्बिटल जब भी बनेगा तो स्पिन कम हो जाएगी, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ऊपर वाले को आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, एन इज इक्वल टू 1 है तो इसका पैरामैग्नेटिज्म घट के कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 1, 1 प्लस 2 मतलब 2 और 1, 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन, पर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो इनर ऑर्बिटल वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ऊपर, और वो आउटर ऑर्बिटल वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग उसके बेस पर ये बनते हैं, अमोनिया और वाटर में जनरली अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है, वाटर वीक लिगेंड होता है, ऑक्सीलेट वीक लिगेंड होता है, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है, जैसे अमोनिया Mn+2 या Fe+2 के साथ आ जाए तो वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वाटर और ऑक्सीलेट कोबाल्ट के साथ आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लो। नेक्स्ट डाउट, सर
सर सर एजो और डायजो ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है? एजोर एक ही है, डाइएजो का मतलब ही वही है कि एजा एक्चुअल में नाइट्रोजन को बोलते हैं, एजा एक नाइट्रोजन होता है तो जनरल एजा बोल देते हैं, दो होते हैं डाइएजा बोल देते हैं, नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है। ओके सर एग्जाम किस डेट को आ रहा है आपका फाइनल एग्जाम? डेट शीट आ गई ना आप लोगों की? यस सर केमिस्ट्री का 18th को है। एटीन्थ को, 18 मई। यस सर और फाइनल एग्जाम कब हो रहा है आपका लास्ट? सर 1st मार्च मैथ्स। नहीं, मार्च कैसे होगा ना, 1 मार्च कैसे होगा, सॉरी सर जून। सर जून में होगा ना। यस, नेक्स्ट बोलते जाओ और पूछो, बढ़िया डाउट नहीं है अभी कोई किसी के इस लेवल पर। एंड लेवल में तो बहुत अच्छे अच्छे डाउट आते हैं, अभी तो बेसिक बेसिक सी चीजें पूछ रहे हो अभी भी आप लोग। पूछो, जैसा भी कोई भी डाउट है पूछो। कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो थ्योरी पूछ लो, जिसको जो पॉइंट नहीं आता, लेकिन थ्योरी में मतलब एक पॉइंट आउट करना कि सर ये पॉइंट बताओ हमें। इस चैप्टर को बेटा अच्छे से कर लेना राजेश, तुम्हारा फिजिकल तो काफी सही आंसर दे रहे थे तुम इसमें, ये तो इनऑर्गेनिक उल्टा इजी है, तो एक दो बार वहां से रिकॉर्डिंग पढ़ो, रिकॉर्डिंग देखो और इसमें स्टेप टू स्टेप करो, पहले लेक्चर से लेके जितने लेक्चर हुए हैं इसमें 8-10, क्योंकि बिकॉज इनऑर्गेनिक का मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर कॉम्पिटिशन में भी, बोर्ड में भी, हर जगह। ये तुम्हारा वीक क्यों रहा, क्या रीजन रहा? तो बड़ी मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर लेते थे, इसमें क्या रीजन रहा?
एक्चुअल रीजन क्या था ये, क्यों नहीं हो पाए? ये रीजन होता है ना हर किसी चीज के पीछे की, भाई ये रीजन है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं आपसे, जब न्यूमेरिकल वाला इतना डिफिकल्ट पार्ट आप जल्दी आंसर दे देते, आईने की इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे दे रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में कैसे अटक गए, क्या रीजन रहा? क्लासेस नहीं की थी उस टाइम, पढ़ा नहीं था इनऑर्गेनिक में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कुछ ना कुछ वजह तो होती है ना। अच्छा मुझे लगता है आप लोगों का हैबिट यही है कि भाई हर बार टीचर आए, अपना टॉपिक उठाए, फिर उसकी प्रॉब्लम करवाए और क्लास पूरी हो जाए चले जाए, हमसे नहीं पूछा जाए कुछ, क्योंकि हमें बताना नहीं है, हमें कुछ नहीं बताना है। ऐसे मत करो ना बेटा, ऐसे सीख कैसे पाओगे? होना तो ये चाहिए हर वीक का आपका होमवर्क तैयार होना चाहिए कि अगले वीक जैसे ही क्लास आया था तो मुझे सर से ये चीजें पूछनी चाहिए थी, मुझे बुला बुला के पूछ रहा हूँ छोटे नर्सरी के बच्चों की तरह, तब भी आप में से कोई बात करने के लिए रेडी नहीं होता। तो हैबिट वही वाली है ना कि स्टीरियो आए बजता रहे और लास्ट में चला जाए अपने 4-5 क्वेश्चन करके और क्लियर होके चले जाए, ऐसे नहीं, ऐसे प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता बेटा। इतने साल हो गए मुझे देखते हुए कि अगर सिलेक्शन वाला है ये इस तरी ये तरीका नहीं होता, मैथड ये नहीं होता, मैं हमेशा से समझाता रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो प्रवोक होना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, एक चीज लिखी है तो उसके 10 मायने ढूंढने पड़ेंगे, फिट करने से काम नहीं चलता, तो बहुत आसान होता है, पीछे पढ़ना पड़ता है चीजें, पीछे पढ़ो सोचो ये है करो, भाई कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद करोगे आप, खुद करोगे तो फिर क्वेश्चन भी पूछोगे, नहीं तो बैठे रहते हैं हम लोग चुपचाप की कहीं हमसे कोई ना पूछ ले, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो आ रहा है आए हो पूरा हफ्ता सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए, ये भी तो अगर हम घर वालों को दिखाने के लिए सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं क्लास आई थी और हम बैठ गए, ये भी तो एक अच्छी बात थोड़ी ना, ये भी तो बेईमानी है एक तरह की, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं तो फिर तो उससे अच्छा बैठो ही मत, उससे अच्छा बैठ के अलग बैठ करके घंटा एक और पढ़ लेते, अलग से याद कर लेते, पढ़ा हुआ बच्चा होता तो उसके डाउट आने चाहिए, तो मुझे तो ये है सीधी सी बात, पढ़ा था क्लास आनी थी तो तैयार रहना चाहिए था पहले। चलो जिसका कोई डाउट आए तो बोल देना, मैं भी बैठा हूँ, जैसे ही आए कोई बात आए दिमाग में आए या कोई किताब खोल रखी हो आगे तो वो तो पूछिए।
मधु मैडम, मैडम होस्ट कर रहे हो, बैठे हो? नहीं है बेटा, किसी का डाउट नहीं है क्या? स्टूडेंट्स, किसी का डाउट नहीं है? कोई और? नहीं है डाउट तो क्लोज करें बेटा, वेस्ट करने का टाइम का क्या फायदा है? कोई डाउट नहीं है तो फिर क्या फायदा? कोई चार बच्चे हो जो कोई पूछना है तो पूछ लो, किताब खोल लो, कोई एनसीईआरटी खोल लो, बोर्ड का कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ भी पूछ लो।
जी आ गया याद कोई डाउट? नहीं है तो बच्चों कर दे क्लोज, कोई डाउट नहीं है तो।
बोलो। सर मीटिंग एंड ही कर दो सर, सब चले गए बच्चे। हाँ बेटा, डाउट तो पूछने नहीं, वो काम करना है वो तो करते नहीं हो ना। बस तुम सोचते हो कि घर वाले को बोल दे क्लास लगी है, या तो स्टूडेंट ऐसा करता है कि वहां फिर आकर के टीचर पढ़ा के चला जाए। मेहनत करते नहीं हो क्या करते?